यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए बिहार सरकार की ओर से 16 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। सभी जगह वाहन चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हेलमेट पहनने से लेकर चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाने के प्रति लोगों से अपील की जा रही है ताकि दुर्घटना पर विराम लग सके। इसके बावजूद शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर बेधड़क वाहनों का परिचालन हो रहा है। जहां तहां ऑटो, ई रिक्शा, बस चालक रोड किनारे वाहनों को खड़ा कर जाम को बढ़ावा दे रहे हैं। हरदा में भी ट्रक जाम की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ता है। बिहार में सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्णिया के अति व्यस्त चौराहे आरएनसा चौक पर, और यहां आप देखिए कि जो ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं, ऑटो को जहां मन होता है वो वहां लगा देते हैं, जबकि ठीक इसी के बगल में अगर आप चले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए यहाँ पर ऑटो लगा हुआ है और सामने ही ट्रैफिक पुलिस का पोस्ट है। ये सामने आप देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस का पोस्ट है, इसके बावजूद जो है जहाँ तहाँ ऑटो को लगाया जा रहा है, गाड़ियों को लगाया जा रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है और ये पूरा इलाका यहाँ जो है जाम के नज़ारे सा दिखता है, लेकिन देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब ये सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत इस तरह की बातें सामने आएंगी तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। परिवहन विभाग की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाता है, बावजूद इसके जाम की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल रही है। अपने सहयोगी सचिन के साथ मलय झा, प्रत्येक न्यूज लाइव पूर्णिया। हेलमेट क्यों नहीं लगाए हुए थे, अभी खोले थे थोड़ा, यहाँ खोले हुए थे थोड़ा, यहाँ पीछे सामान्य रास्ते में अगर गए दुर्घटना हो गया तो फिर किसकी जान जाएगी। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है मालूम है। हाँ पता है। कितना आदमी को बैठाने का है? एक मिनट। हाँ बोलिए ना। कितने आदमी को बैठाने का? चार आदमी को। कितने आदमी को बैठा है? छह आदमी बैठा है। क्यों, क्या करें, पेट का सवाल है। पेट का सवाल है, कानून का सवाल कहाँ गया? कानून लागू होगी तो हम भी चेक करेंगे, कोई दिक्कत। रोड पर चलने वाले वाहन चालक खुलेआम परिवहन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। न ट्रैफिक नियमों की इन्हें परवाह है और न ही अपनी जान का डर। एक तरफ ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की पहल की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जाम से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आरएनसा चौक से लेकर गिरजा चौक तक वाहनों का रेला लगा रहता है। हर छोटे बड़े वाहनों को नो पार्किंग जोन में वाहन चालक लगा कर चले जाते हैं और इसका खामियाजा रोड पर चलने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। हेलमेट क्यों नहीं लगाए? लगाए हुए थे, अभी खोले थे थोड़ा, यहाँ खोले हुए थे थोड़ा, यहाँ पीछे सामान्य रास्ते में अगर गए दुर्घटना हो गया। हाँ तो फिर किसकी जान जाएगी? नहीं जाएगी। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है मालूम है। हाँ पता है। आरएनसा चौक के ट्रैफिक पोस्ट के सामने बेतरतीब ढंग से बाइक लगाकर छोड़ दिया जाता है, मगर ट्रैफिक पुलिस के जवान भी इन्हें कुछ नहीं कहते। जहां तहां ऑटो चालक वाहन रोक कर यात्रियों को चढ़ाते और उतारते हैं। किसी को न ट्रैफिक नियमों की परवाह है और न जाम की फिक्र। सड़क सुरक्षा माह के दौरान हम लोग जो यातायात नियम का उल्लंघन करते हैं वाहन चालक, उन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स करा रहे हैं। प्रतिदिन जो है दो बैच हम लोग चालू किए हैं। चेकिंग के दौरान जो पकड़ाते हैं यातायात नियम का उल्लंघन करते हुए, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, पूरा यातायात कानून बताया जाता है उनको, और इससे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है वो भी हम लोग वीडियो दिखा करके उन लोग को बताते हैं। नए यातायात कानून 2020, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? नए यातायात कानून में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। फाइन ज़्यादा हुआ है, कुछ सेक्शन नहीं थे वो सेक्शन जोड़ा गया है अलग से, हेलमेट का और पोल्यूशन का बहुत सारे सेक्शन जो है अलग से इसमें ऐड किए गए हैं। और फाइन जो है, पहले हेलमेट का 100 रुपया काटते थे हम लोग, अब 1000 रुपया हो गया। पोल्यूशन का 1000 था, 10000 हो गया है इस ढंग से, ताकि लोग जो है इसके प्रति जो है लोगों में भय हो। और शराब का सेवन करते हुए अगर कोई वाहन चलाते हैं तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई?
वो क्या उनका गाड़ी सीज होता है, उन पर उत्पाद अधिनियम के तहत उनकी गाड़ी सीज होती है और उन पर फिर कार्रवाई होता है। बस चालक भी अपनी मनमर्जी के मुताबिक गिरजा चौक स्थित पोस्ट ऑफिस के सामने नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा कर यात्रियों को चढ़ाते और उतारते हैं, लिहाजा सामने से आ रहे वाहनों को जगह कम मिलती है और रोड पर जाम लग जाता है। परिवहन विभाग को ठेंगा दिखाते हुए सहरसा बनमनखी धमदाहा रुपौली जाने वाले वाहनों को बस स्टॉप न रहते हुए भी रोका जाता है, जिससे जहां मन हुआ गाड़ी लगा दी और यात्रियों को ढोने का सिलसिला शुरू कर दिया। गिरजा चौक के रोड के दोनों तरफ ऑटो चालक वाहनों को लगाकर जाम की समस्या को बढ़ावा देते हैं। कमोबेश हर चौक चौराहे की एक सी स्थिति है। जिला परिवहन पदाधिकारी विकास कुमार कहते हैं कि प्रेशर हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बगैर हेलमेट के तेज गति के साथ वाहन चलाने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। चार पहिया वाहनों पर भी 5 से 6 लाइट लगाकर चलने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। वही गाड़ी लगाने की मनाही है डीटीओ की तरफ से, कैसे लग जाता है गाड़ी को पूछे हम न। आप क्या है यहाँ, आप क्या कुछ है ना, क्या है आप यहाँ? हम किरानी है। किरानी है, कैसे लग जा रहा है यहाँ गाड़ी? हम नहीं लगा रहे हैं। यहाँ स्टैंड है जी ना, तो फिर कैसे लग जा रहा है? हम है ही नहीं। अरे आप नहीं है तो गाड़ी लग रही है। गाड़ी का हम नहीं, देखिए सब गाड़ी लगा हुआ है लेकिन गाड़ी लगती है ना जी, लगना चाहिए जी ना। क्या होता है इससे परेशानी? आम जनता को है ना जी। इसके पहले भी कार्रवाई हुई थी यहाँ जी, डीटीओ ने भी निर्देश दिया है कि नहीं लगेगी गाड़ियाँ। हम आप स्टैंड किरानी है ना, तो फिर कैसे लग रहा है यहाँ? हम नहीं है सर, ये गाड़ी नहीं है। तो देखिए क्या नाम है आपका? है क्या नाम है? दिल्ली। रोड पर जो सर प्रेशर हॉर्न लेकर के जो गाड़ियाँ दौड़ाई जा रही हैं, तो उसके खिलाफ क्या विभाग की ओर से एक्शन किया जा सकता है? देखिए प्रेशर हॉर्न के खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं, और जो सभी वाहन का जो एक लिमिट मात्रा में हॉर्न का लगा हुआ है कि इतने डेसिबल से अधिक अगर चलता है तो वो गैर कानूनी है, उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में भी प्रावधान है और उसके तहत हम लोग वैसी गाड़ियों को चिन्हित कर पकड़ते हैं और कार्रवाई करते हैं। कितना डेसिबल सर होना चाहिए हॉर्न का? ये एग्जैक्ट तो 30 के करीब। हाँ 30 के करीब ये रहता है, उससे अधिक ये रहने पर। और जो फोर व्हीलर है उसमें जो दूधिया रोशनी काफ़ी मात्रा में 6-7 लाइट लगा देता है, इसके कारण लोगों को दिक्कत होती है, तो उसके बहुत सारे फोर व्हीलर में प्राय देखा जाता है कि ऊपर में लाइट लगा दिए लगा देते हैं और बगल से भी लाइट लगा देते हैं। उस पर हम लोग कई बार जो है उसे फोर व्हीलर को पकड़े हैं, लाइट खुलवाए हैं और उस पर जो है फाइन भी किया है। गिरजा चौक पर जो बस लगा दे रहा है जिसके कारण जाम होता है और रोड साइड में ऑटो भी लगा देता है, तो पहले इसके खिलाफ हुई थी कार्रवाई तो? हाँ इधर भी लगातार कार्रवाई हो रही है, बस जो रोड पर लगाते हैं तो यातायात वाले हैं उनको हम लोग लगातार ये भेजते हैं, कुछ ऐसा हम लोग ये भी निकाल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं ताकि जाम से समस्या मिले। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और यहाँ से देख करके हम लोग ऐसा टीम बना रहे हैं जो जिससे का जाम की समस्या रहेगी और उससे का हम लोग यातायात से आप सब। अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाए, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हम लोगों को? हम लोगों को यही संदेश हम मेरे तरफ से है कि जो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। सर्वप्रथम तो खुद मतलब सड़क सुरक्षा के नियम का पालन करें, ओवर स्पीडिंग नहीं चलाएं, प्रेशर हॉर्न नहीं बजाएं, सड़क के किनारे जो है पर्टिकुलर पार्किंग में गाड़ी खड़ा करके रखें ताकि जाम से की समस्या नहीं हो। ये देना था। बिहार में सड़क सुरक्षा 1 महीने तक मनाया जा रहा है, इसके मद्देनज़र तमाम तरह के सुरक्षा की बात सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो रोड सेफ्टी की बात है उसको लेकर के लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं गिरजा चौक के नज़दीक और तस्वीरों में हम आपको दिखाएं कि इस इलाके में कहीं भी वाहन लगाने की मनाही है, बावजूद इसके यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं सहरसा जाने वाली वो बस यहाँ लगाया जाता है,
जिसके कारण यहाँ लोगों को परेशानी होती है और जाम से लोगों को निजात नहीं मिल पाता है। आप सामने अगर देखेंगे कि यहाँ गाड़ियाँ लगती है, लोगों को चढ़ाया और उतारा जाता है, जबकि यहाँ पर इसके लगाने की मनाही है। DTO ने भी इसके संबंध में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कुछ दिन पहले यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं लगती थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ गाड़ियों का जमावड़ा लगने लगा है, जिसके कारण जो रोड पर चलने वाले यात्री हैं उन्हें जाम की समस्या से का सामना करना पड़ रहा है और जाम से लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है। इस पर संज्ञान लेने की बात है। अगर ऐसे जो भी गाड़ियाँ चल रही है, जो बसें चल रही है, उस पर नहीं कार्रवाई की गई तो लोगों को जाम से निजात नहीं मिल पाएगा। अपने सहयोगी सचिन के साथ मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव पूर्णिया।